नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ पर। 25 दिसंबर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। 1924 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 1996 में पहली बार वो मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे। वो दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने, मगर वो सरकार भी 13 महीने चली। तीसरी बार वो 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे राजनेता रहे जिनका विरोध उनके विरोधी भी नहीं करते थे। वे एक प्रखर वक्ता, दृढ़ राजनेता और कवि हृदय वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर एक प्रेमी भी छिपा था। यह उनके जीवन का अहम पक्ष भी था। यही वजह है कि उन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया। अपने इसी प्रेम के चलते अटल बिहारी ने एक लव लेटर भी लिखा। हालांकि उनका ये लेटर भी उन्हें विवाह की दहलीज पर पहुंचा नहीं पाया। आइए जानते हैं कि कैसे एक लव लेटर ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के संबंधों पर चर्चा ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन ये बात हर कोई जानता था कि राजकुमारी कौल की अटल बिहारी के जीवन में क्या जगह थी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के संबंधों को देश के राजनीतिक हलके में घटी सबसे सुंदर प्रेम कहानी बताया है। अटल जी का कद राजनीति में इतना बड़ा था कि विरोधी दल और मीडिया कभी उनकी जिंदगी में तांग झांक नहीं कर पाई। हालांकि बाद में कुछ लेखकों और वरिष्ठ पत्रकारों ने उनके प्रेम कहानी को अपने अंदाज में बयां जरूर किया। पत्रकार किंगशुक नाग ने अपने किताब में लिखा कि पब्लिश रिलेशन प्रोफेशनल सुनीता बुद्धिराजा के मिसेस कॉल से अच्छे रिश्ते थे। एक दिन मिसेस कॉल कुछ उदास थी, तब उन्होंने सुनीता से अटल के साथ रिश्तों के बारे में बताया। दोनों एक ही समय ग्वालियर के एक ही कॉलेज में पढ़े थे। ये 40 के दशक के बीच की बात थी। वो ऐसे दिन थे जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, इसलिए आमतौर पर प्यार होने पर भी लोग भावनाओं का इजहार नहीं कर पाते थे। इसके बाद भी युवा अटल ने लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर राजकुमारी के लिए एक लेटर रखा, लेकिन उन्हें उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। शायद अटल को भी नहीं पता था कि ये लेटर उनकी जिंदगी बदल देगा। दरअसल राजकुमारी ने जवाब दिया, जवाब किताब के अंदर ही रखकर अटल के लिए दिया, लेकिन वह लेटर उन तक पहुंच ही नहीं पाया। इस बीच राजकुमारी के पिता ने उनकी शादी एक युवा कॉलेज टीचर ब्रिज नारायण कौल से कर दी और अटल बिहारी का प्रेम उस लव लेटर में सिमट कर रह गया, और इस तरह से प्यार मुकम्मल होते हुए भी अधूरा रह गया। राजकुमारी के विवाह के बाद अटल अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। करीब 1.5 दशक बाद वे सांसद बने और एक बार फिर राजकुमारी दिल्ली आई। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई। एक IAS के मुताबिक जब वे लुटियंस जोन स्थित अटल के घर उनसे मिलने जाते थे तो उन्होंने वहाँ कौल परिवार को रहते हुए देखा। हालांकि बाद में अटल कौल के कॉलेज वाले निवास में रहने आ गए थे। दक्षिण भारत के एक पत्रकार गिरीश निकम ने बताया कि अटल जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी मैं उनके घर पर फोन करता था तो फोन वही उठाती थी। भले ही अटल बिहारी और मिसेस कॉल काफी वक्त तक मिलते रहे, लेकिन उस लव लेटर ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया, जिसके जवाब के इंतजार में अटल ने शादी ना करने का फैसला किया। तो ये थी अटल जी के जन्मदिन पर अटल जी की मोहब्बत की दास्तां, जो हम आप तक ले आए हैं। और हमने देखा कि एक गूढ़ राजनीतिज्ञ का दिल अंतिम समय तक किसी और के लिए धड़कता रहा। मोहब्बत की एक मिसाल ये भी। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।